नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, लगातार हम लोगों के पास नर्सिंग होम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा था, और इससे पहले भी बहुत सारा वीडियोस हम लोगों ने बनाया है नर्सिंग होम के ऊपर, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि किस तरीके से आप नर्सिंग होम का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने एरिए में, और क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए होगा ये काम करने के लिए। मगर फिर भी लोगों का क्वेश्चन आता है, तो हमारा काम है उस पर आपको और भी जानकारी देना। और थोड़ा डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो हो सके वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आपको पेशेंस है और आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो आप बने रह सकते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग होम आता है, ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट। हर एक स्टेट का जो है अपना कुछ एक्ट होता है नर्सिंग होम बनाने का, और हर एक स्टेट कुछ गाइडलाइन करता है इसके लिए। द लाइसेंस आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ नर्सिंग होम परमिट। सबसे पहले स्टार्ट होता है जगह से, कि आपको अगर नर्सिंग होम बनाना है तो क्या क्या आपको कैसा जगह चाहिए होगा और क्या आपको करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले जो जगह आपका होना चाहिए वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, यानी ऐसा जगह जहाँ पे खेती नहीं होती हो, या अगर आपका एग्रीकल्चर है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर में आप उसको अपना कन्वर्ट करवाइएगा। और ये जो परमिशन है, ये आप लोग जानते हैं कि BLR के थ्रू ये परमिशन होता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता होगा और वहाँ पे BLR का ऑफिस होता है, तो वहीं से आपको जो भी आपका जगह है नर्सिंग होम के लिए, उसको आपको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी आपको देखना पड़ेगा, इसका परमिशन लेना पड़ता है। 440 का जो इलेक्ट्रिक परमिशन है वो आपको कमर्शियल इलेक्ट्रिक परमिशन लेना पड़ता है, प्लस इसके साथ आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर है, वाटर मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वाटर के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। अप्रॉक्स देखिए इसमें दिया हुआ है कि 100 लीटर पानी एक पेड़ के अनुसार जो है परमिशन लेना पड़ता है, यानी एक पेशेंट को 100 लीटर पानी एक दिन में इसके अनुसार ही परमिशन आपको लेना पड़ता है दिखा के, और वो आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जो भी एरिया में आप रहते होंगे, पंचायत में रहते होंगे तो पंचायत, अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते होंगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे जगह से आपको परमिशन करके लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सीवेज, वेल प्लान्ड सैनिटरी मेजर फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एज वेल एज ड्रेनेज सिस्टम विच इंक्लूडिंग टैंक पाइपलाइन ETC। आपको सीवरेज का भी जो परमिशन है अपने लोकल पे लेना पड़ेगा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ से, ताकि आपका नर्सिंग होम से जो भी पानी निकले, गंदा पानी निकले या डिस्पोजेबल कुछ आइटम निकले, तो सही तरीके से वो हो। देखिए इसमें दिया है द परमिशन ऑफ लोकल अथॉरिटी शुड बी ऑब्टेंडेड, तो जो लोकल अथॉरिटी है वहीं से आपको इसका भी लेना पड़ता है परमिशन, प्लस जो भी बायो वेस्ट आपके यहाँ से निकलता है, मान लीजिए बॉडी का कुछ पार्ट्स हुआ, टिश्यू हुआ, डिस्पोजेबल वेस्ट हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप नर्सिंग होम खोलिएगा तो आपको निकलेगा और वहाँ से आपको वेस्ट में आता है, तो ये बायो वेस्ट में आता है, तो इसका डिकम्पोजिशन आप किस तरीके से करते हैं इसके लिए आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन जो है आपको लेना पड़ता है। प्लस अगर आपकी बिल्डिंग है सेकंड स्टोर फर्स्ट स्टोर बिल्डिंग है, तो मान लीजिए इसमें आपको फायर इंस्ट्रूमेंट जो कि फायर फाइटिंग के लिए काम आता है, कभी अगर मान लीजिए फायर पकड़ ले, आग पकड़ ले, तो उसको बुझाने के लिए आपको फायर इंस्ट्रूमेंट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लस फायर डिपार्टमेंट का परमिशन भी आपको लेना पड़ेगा। और ये सारा परमिशन आपको उसी नाम से लेना पड़ेगा जिस नाम से आप नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं, या मान लीजिए जिस नाम से आपने पहले से कंपनी बना के रखा हुआ है। उसके बाद देखिए आपको फसाई लाइसेंस का भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर मान लीजिए आप वहाँ पे कैंटीन चला रहे हैं, या मान लीजिए खाने पीने के नर्सिंग होम है तो खाने पीने की चीज़ें भी प्रोवाइड करवा रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा आपका ट्रांजैक्शन कितना है, उसके अनुसार आपको बेसिक, स्टेट और सेंट्रल, ये जो तीन लाइसेंस होता है इसको डिफाइन करके आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको परमिशन ऑफ स्टोरेज ऑफ LPG सिलेंडर, यानी अगर आप LPG सिलेंडर वगैरह कमर्शियल सिलेंडर है अगर उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं किचन रूम के पर्पस के लिए और अदर पर्पस के लिए, तो आपको एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके नर्सिंग होम में फार्मेसी भी आप खोल रहे हैं जिसमें आप दवा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं,
तो आपको ड्रग लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, जो कि मान लीजिए आपका अपना उसमें दुकान खोलिए या स्टोर खोलिए, जगह आपको 250 से 300 स्क्वायर फीट चाहिए होगा इसके लिए। और ये जो लाइसेंस है 5 साल के लिए वैलिड होता है। इसके साथ मान लीजिए अगर आपको ट्रेड लाइसेंस लेना हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जैसे ब्रांड नेम करवाना हो अपने, जैसे वुडलैंड है या अपोलो है, ये सब जो है ट्रेडमार्क है, ये नाम से दूसरा कोई नर्सिंग होम नहीं खोल सकता। तो आप भी चाहें तो इस तरीके से अपने नाम का ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, उद्यम करवा सकते हैं, ताकि मान लीजिए लोन वगैरह मिलने में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सारा कुछ परमिशन होता है जो आपको चाहिए होता है। प्लस अगर मान लीजिए आप अपने वहाँ पे एम्बुलेंस चला रहे हैं, तो एम्बुलेंस चलाने के लिए देखिए, द एम्बुलेंस बॉट बाई द नर्सिंग होम मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द RTO, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो एम्बुलेंस सर्विस अगर आप प्रोवाइड करवाइएगा तो RTO में उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उस गाड़ी को, या मान लीजिए आप अपना करवा रहे हैं तो उसके अनुसार। और अगर आप सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रखते हैं, आर्म्स लाइसेंस या आर्म्स गार्ड रखते हैं जो कि हथियार लेके गार्ड दे आपके नर्सिंग होम में, तो आर्म्स एक्ट के अंदर में आपको वो भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये कुछ मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। उसके बाद से देखिए, प्लानिंग ऑफ नर्सिंग होम, होम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफिकेशन डॉक्टर एज वेल रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपको जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं MBBS, ये भी चाहिए होगा एप्लीकेशन करने के लिए, प्लस नर्स भी चाहिए होंगी। इसके साथ मेडिकल इक्विपमेंट और भी आपको परचेस करना पड़ेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर सेटअप, ये भी आपको परचेस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के लिए मान लीजिए आपको बिल्डिंग में प्लम्बिंग है, पानी है, गैस पाइपलाइन है, एयर कंडीशन है, सेटअप है, ये सारी भी चीज़ें आपको जो है सेटअप करनी पड़ेंगी। तो आपने देखा, इतना सारा लाइसेंस जो है आपको लगता है एक नर्सिंग होम आपको चलाने के लिए। अब इसमें बहुत सारा देखिए एक्ट दिया हुआ है, जैसे ब्लड बैंक अगर आप उसमें रखते हैं, या डेंटिस्ट रेगुलेशन एक्ट, ड्रग एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ESI एक्ट, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक्ट बना हुआ है। इस वजह से ये सारा एक्ट का भी नवीनियम में एज एक्ट सब आपको मानना पड़ेगा जब आप ये काम कीजिएगा। तो ये सेटअप करके आप चाहें तो ये जीता देखा आपने पूरा सेटअप। और ये काम करने के लिए कोई अकेला व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, पूरा टीम चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है। टीम भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, प्लस पैसा भी चाहिए, तब जाके ये इतना सारा जो चीज़ है सर्टिफिकेशन या काम हो पाता है। अब मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि 2 दिन में ही मिल जाए, 5 दिन में ही मिल जाए, 10 दिन में ही मिल जाए, आप करवा के दे दीजिए। तो देखिए, इतना सारा कुछ आपने देखा, ये एक आदमी के बस का नहीं है कि वो लैंड का BLR भी करवा दे, इलेक्ट्रिसिटी परमिशन भी करा दे, सीवरेज भी करा दे, बायोवेस्ट करा दे, फायर लाइसेंस करवा दे। इसमें टीम है। अगर आप हमको काम दे सकते हैं तो काम देने के बाद मान लीजिए हम लोगों को आपको 5-6 महीने टाइम देना पड़ेगा, उसमें से जैसा होता है वैसा टीम सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपके एरिए में कौन सा लैंड का आदमी काम करवा रहा है, कौन सा आदमी है जो इलेक्ट्रिक का काम करवा रहा है, कौन सा है जो सीवर का करवा रहा है, कौन सा आदमी है जो मान लीजिए बायोवेस्ट का काम करवा रहा है। ये सब अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करके फिर लाइजनिंग करके काम करना पड़ता है। अकेला किसी को भी दे दीजिएगा तो किसी के बस का बात नहीं है कि अकेला आपको करके देते हैं। हाँ, हम लोग आपका कंपनी बनवा सकते हैं, ट्रेडमार्क बनवा सकते हैं, FSI बनवा सकते हैं, ड्रग लाइसेंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं, कम से कम मेजोरिटी आप काम कर सकते हैं, मगर इसमें भी आपको बिना टीम के काम नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि नर्सिंग होम खोलने के लिए क्या चीज़ें चाहिए और कितना टाइम लग सकता है, कितना पैसा लग सकता है, परमिशन लग सकता है। मिनिमम अगर आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूँ कि अगर आप 50 बेड का एक नर्सिंग होम खोलते हैं तो कम से कम आपको 1 CR आपका बजट होना चाहिए। अगर 1 CR आपका बजट है तो आप 50 बेड का नर्सिंग होम खोल के बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को चला सकते हैं। और खोलने का मतलब ये नहीं है कि आपका नर्सिंग होम चली जाएगा, खोलने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो खोल के लास्ट में बंद कर दिए हैं, या मान लीजिए पहले से उनका लोन चल रहा था, लोन का पैसा भी नहीं चुका पाए हैं, क्योंकि मार्केटिंग भी इसमें करना पड़ता है, अच्छे डॉक्टर रखने पड़ते हैं, मार्केटिंग करना पड़ता है आज के डेट में, तब जाके मान लीजिए पेशेंट जो हैं ठीक होते हैं, बिहेवियर ठीक करना पड़ता है, काम ठीक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खोलने का मतलब ये नहीं है कि आपका चीज़ चल जाएगा। तो खोलने का खोलना है एक 50% काम है, और उसको रनिंग करना भी एक 50% काम है। अगर आप पूरा इस तरह का लाइजनिंग का काम हम लोग को देना चाहते हैं तो पूरा लाइजनिंग का काम में हम लोग आपको बता देंगे कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा अप्रॉक्स। इसमें आपकी तरफ से भी 2-3 आदमी चाहिए होगा टीम वर्क में काम करने के लिए, ताकि मिल के इस काम को आपके लिए किया जा सके। आशा करता हूँ दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ हम लोग हमेशा लाते रहेंगे,
जो आपको जानकारी देगा और आपके नॉलेज को बढ़ाएगा और आपके बिजनेस को भी आगे लेके जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।